आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है गिनती की पुस्तक 6वां अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाजीर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाखमधु आदि मदिरा से अलग रहे। वह न दाखमधु और न मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए, परन दाख न खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक यह बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए। फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फिराए, और जब तक वे दिन पूरे न हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन भी मरे तो भी वह उनके कारण अशुद्ध न हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारे रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए और उसके न्यारे रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए, तो वह शुद्ध होने के दिन अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुड़ाए, और 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले जाए, और याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि करके उसके लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि वह लोथ के कारण पापी ठहरा है। और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे और वह अपने न्यारे रहने के दिनों को फिर यहोवा के लिए न्यारा ठहराए, और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोष बलि करके ले आए, और जो दिन इससे पहले बीत गए हों वे व्यर्थ गिने जाएं, क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया। फिर जब नाजीर के न्यारे रहने के दिन पूरे हों उस समय के लिए उसकी यह व्यवस्था है, अर्थात वह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचाया जाए और वह यहोवा के लिए होम बलि करके 1 वर्ष का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा, पाप बलि करके 1 वर्ष की एक निर्दोष भेड़ की बच्ची और मेल बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा और अखमीरी रोटियों की एक टोकरी अर्थात तेल से सने हुए मैदे के फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपड़ियाँ और उन बलियों के अन्य बलि और अर्घ, ये सब चढ़ावे समीप ले जाएं। इन सबको याजक यहोवा के सामने पहुंचाकर उसके पाप बलि और होम बलि को चढ़ाए, और अखमीरी रोटी की टोकरी समेत मेढ़े को यहोवा के लिए मेल बलि करके और उस मेल बलि के अन्य बलि और अर्घ को भी चढ़ाए। तब नाजीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुंडाकर अपने बालों को उस आग पर डाल दे जो मेल बलि के नीचे होगी। फिर जब नाजीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मुड़ा चुके तब याजक मेढ़े का पकाया हुआ कंधा और टोकरी में से 1 अखमीरी रोटी और 1 अखमीरी पपड़ी लेकर नाजीर के हाथों पर धर दे, और याजक इनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाए। हिलाई हुई छाती और उठाई हुई झांग समेत ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वह नाजीर दाखमधु पी सकेगा। नाजीर की मन्नत की और जो चढ़ावा उसको अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वह अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके उससे अधिक जैसी मन्नत उसने मानी हो वैसे ही अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इसराइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इसराइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा।